फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है याज रेडिकेशन प्रोग्राम। ओके, याज क्या होता है? याज एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, जो कॉज होती है, ठीक है, ये जो ट्रांसमिट होती है क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, स्किन अल्सर्स हो जाते हैं, स्किन के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं जो कार्टिलेज और बोन्स में भी इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, ये जो डिसीज़ है याज सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ट्राइबल और हिली एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है, और फॉरेस्ट एरियाज़ में ये जो इसके पेशेंट हैं, याज के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा देखने को मिले थे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड हुआ था, ये 49 डिस्ट्रिक्ट और 10 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा याज के केसेस देखे गए थे, 49 डिस्ट्रिक्ट्स में और 49 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 स्टेट में देखने को ज़्यादा मिले थे। ओके, फिर जब ये डिसीज़ को देखा गया, इसमें क्या रहता है, जो याज में एक बहुत ज़्यादा स्किन अल्सर हो जाते हैं पूरे हमारे फेस पे, पैरों में, ठीक है, पूरी बॉडी पे स्किन अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, पेप्यूल्स टाइप के जो वेसिकल्स ये फॉर्म हो जाते हैं, जो अंदर जाके कार्टिलेज और जो बोन है उन पे डिसेबल कर देते हैं, डिसेबिलिटी कॉज कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए इसके जब ज़्यादा केसेस देखे गए 49 डिस्ट्रिक्ट और 10 स्टेट्स में जब इसको रिपोर्ट किया गया, देखा गया, तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ट्राइबल हिलीज और फॉरेस्ट एरियाज़ में ज़्यादा देखा गया, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो कब स्टार्ट हुआ था, द याज इराडिकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड 1996 to 1997 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वो है याज इराडिकेशन प्रोग्राम। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुए इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव था जो इराडिकेट करना है याज को पूरी कंट्री से, ठीक है। तो इराडिकेशन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का मेन इराडिकेट करना है, इराडिकेट याज फ्रॉम द कंट्री। ओके, क्या करना है, इराडिकेट करना है याज को पूरी कंट्री से, ये इनका जो ये प्रोग्राम था याज इराडिकेशन, उनका मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो प्रोग्राम स्ट्रेटजीज थी वो क्या क्या थी। इसकी जो स्ट्रेटजीज बनाई गई थी वो है स्ट्रेटजी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी थी मेन पावर डेवलपमेंट। ओके, क्या करना है, मेन पावर डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन पावर का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ओके, सेकंड वन था डिटेक्शन ऑफ केसेस, ठीक है, क्या करना है, डिटेक्ट करना है जो भी केसेस हमें मिल रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ केसेस, जो भी केस हमें मिल रहे हैं उनको क्या करना है, डिटेक्ट करना है, पता करना है कि कितने केसेस मिल रहे हैं हिली एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, उनको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। थर्ड वन था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, एंड फोर्थ वन था हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन IEC। ओके, तो ये क्या थे मेन फोर स्ट्रेटजीज से, मेन पावर डेवलपमेंट, सेकंड वन डिटेक्शन ऑफ केसेस, थर्ड वन ट्रीटमेंट ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, एंड फोर्थ वन IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। मेन पावर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में क्या करना था, जो भी मेन पावर है उनको डेवलप करना है, लोगों तक कैसे किसी चीज़ को पहुंचाना है, या उसके जो भी केसेस हैं उनको कैसे फाइंड आउट करना है, उनके बारे में स्ट्रेटजी बनाई गई।
सेकंड था डिटेक्शन ऑफ केसेस, क्या करना है सेकंड वन में जो भी केस है उसको, जैसे यस के केसेस हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिटेक्ट करना है कि कितने केसेस मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, ट्रीटमेंट करना है जो केसेस मिल रहे हैं उनका और देन कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, क्या करना है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डिसीज़ या उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीज़ है, कंडीशन है हो रही है हमारी, जिस प्रोग्राम को हम लॉन्च कर रहे हैं, बता रहे हैं जिस प्रोग्राम के बारे में, उसके लिए क्या करना है, हमें एजुकेशन देना है और कम्युनिकेट करना है। ये थे चार पॉइंट्स स्ट्रेटजीज के अंदर, मेन पावर डेवलपमेंट, सेकंड रिडक्शन ऑफ केसेस एंड थर्ड वन ट्रीटमेंट ऑफ केस एंड कंट्रोल एंड IEC। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो WHO ने क्या किया था, इनके ट्रीटमेंट के लिए 3 modes ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किए थे। ओके, तो वो 3 modes ऑफ ट्रीटमेंट क्या हैं जो WHO ने रिकमेंडेड किए थे? ट्रीटमेंट किसके थ्रू रिकमेंडेड किए गए थे? WHO के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ द WHO रिकमेंडेड, ठीक है। WHO ने इसको रिकमेंड किया था कि कौन कौन से 3 mode हैं ट्रीटमेंट के। तो फर्स्ट है इसमें टोटल मास ट्रीटमेंट, टोटल मास ट्रीटमेंट, ओके, टोटल मास ट्रीटमेंट। सेकंड था इसका जुबेनाइल मास ट्रीटमेंट, जुबेनाइल मास ट्रीटमेंट, जुबेनाइल मास ट्रीटमेंट के बाद थर्ड वन था हमारा सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट, सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट, ओके। तो हम देखते हैं टोटल मास ट्रीटमेंट में क्या रहता है। टोटल मास ट्रीटमेंट के अंदर वो पेशेंट आते थे जो ऐसी जगह जहाँ पर हाइपर एंडेमिक केसेस मिले, मतलब जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यॉस फैल रहा है, ठीक है, यॉस की कंडीशन देखने को मिली है, वहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता था, टोटल मास ट्रीटमेंट, ठीक है। इस ये कहाँ पर किया जाता है, जहाँ यॉस हाइपर एंडेमिक है, कहाँ पर, जब वेयर यॉस हाइपर एंडेमिक, ओके, कहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पर ये जो यॉस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हाइपर एंडेमिक है, ठीक है। और वहाँ पे जो प्रिवलेंस रेट है वो कितना होगा, 10% प्रिवलेंस हो, 10% प्रिवलेंस, ओके, कितना होगा, 10% प्रिवलेंस होगा, वहाँ पे हम क्या देंगे, टोटल मास ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है जुबेनाइल मास ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है, जो भी डिटेक्टेड केस हैं, जो हमें केस मिल रहे हैं, देन चिल्ड्रंस को दिया जाता है, जो 5 years के चिल्ड्रंस हैं उनके, ठीक है। तो ये किसको दिया जाएगा, ऑल चिल्ड्रंस दोज 5 years ओल्ड, कितने साल के हैं, 5 साल के, ठीक है, 5 साल के बच्चों को दिया जाएगा, देन सॉरी 15 years के बच्चों को दिया जाएगा जुबेनाइल ट्रीटमेंट, ठीक है। और जहाँ पर इसका जो रेट है वो कितना होगा, प्रिवलेंस रेट 6% से 10%, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव ट्रीटमेंट, ये कहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पर वेयर योर्स कैसा हो, जहाँ पर योर्स इज हाइपर एंडेमिक था तो हमने टोटल मास ट्रीटमेंट में दिया, यहाँ पे क्या होगा, हाइपो एंडेमिक होगा तो हम यहाँ देंगे, यहाँ सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट देंगे, हाइपो एंडेमिक, ओके। तो कहाँ पे देंगे सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट, जहाँ पर यॉस क्या होगा, हाइपो एंडेमिक होगा और इसका प्रिवलेंस जो रेट है वो कितना होगा, 5% प्रिवलेंस, ओके। तो ये तीनों मोड्स थे, 3 modes ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट है टोटल मास ट्रीटमेंट, सेकंड जुबेनाइल मास ट्रीटमेंट एंड थर्ड वन सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट। टोटल मास ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा जहाँ पे जो यॉज है वो क्या होगा, हाइपर
एंडेमिक होगा, ठीक है, और जो प्रेवलेंस रेट है वो उसकी 10% होगा होगी। और जुवेनाइल मस ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, जहाँ पे चिल्ड्रंस 15 ईयर्स के हैं, ठीक है, और 6-10% प्रेवलेंस रेट है वहाँ देंगे हम। नेक्स्ट सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, जहाँ यर्स क्या है, हाइपो एंडेमिक और 5% प्रेवलेंस है। तो ये था हमारे 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड किए गए हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे जो अचीवमेंट है, जो अचीवमेंट की थी यॉस प्रोग्राम ने, तो ये क्या था, रिपोर्ट किए गए थे 1997 से 2004 तक सारे केस पे क्या हो गया, ये बिल्कुल ही निल हो गए, ठीक है, ख़त्म हो गए, कोई भी न्यू केसेस रिपोर्टेड नहीं हुआ यॉस का। 1997 में हमने केस देखे थे, देन 2004 तक आते आते इस पे एक अचीवमेंट पाई गई और इसमें एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये थे सारा यॉस इराडिकेशन प्रोग्राम के अंदर। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, जो यॉस क्या है, यॉस में एक डिसीज़ कंडीशन है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उनके अंदर लीजन्स फॉर्म हो जाते हैं, स्किन अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, जो आगे जाके जो कार्टिलेज है, बोन है, उन पे क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या हो जाता है, कॉज करते हैं डिसेबिलिटी। देन ये जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1996 से 1997 तक। ओके, इसकी मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था यॉस को कंट्री से इराडिकेट करना है। देन इसके हमने जो स्ट्रेटजीज पढ़े वो थे मेन पावर डेवलपमेंट, सेकंड वन था डिटेक्शन ऑफ केसेस, ट्रीटमेंट ऑफ केसेस, एंड देन इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। देन हमने इसका जो 3 मोड्स पढ़े, टोटल मास ट्रीटमेंट, देन जुवेनाइल मास ट्रीटमेंट, सिलेक्टिव मास ट्रीटमेंट। ओके, फिर हमने इसका अचीवमेंट देखा, इसका अचीवमेंट 1997 से ले 6 से लेके 2004 तक इसका पूरा इराडिकेट किया हो गया और कोई भी न्यू केसेस देखने को नहीं मिले। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू क्लास।